जो जायज़ मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के आता है उनको ये बेफजूली बातों के ऊपर घसीटने का काम करें क्या है ये किस प्रकार से देश चल रहा है देश को कहीं जात पात के नाम पर कहीं धर्म के नाम पर देश के ज्वलंत मुद्दों को भटकाने के लिए ये ये चीज़ें चल रही हैं क्या है ये किस प्रकार से देश चल रहा है मुद्दों को भटकाने के लिए आप लोग भी तो एक मुद्दा ही बना रहे हैं ना राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ईडी की जांच जांच हो हो रही है, हो रही है है निष्पक्ष होने दीजिए अगर कोई घोटाला नहीं किया है, तो होने दीजिए जांच कितनी बार करेंगे पिछले आठ साल से इनकी सरकार है एक बार तो एक क्लीन चिट भी दे, दे चुके हैं इस कितनी बार करेंगे नब्बे सवाल थे पहले दिन पचास सवाल हो गए नब्बे स... एक घंटे का मामला है क्यों ये राहुल जी को परेशान कर रहे हैं देश का प्रत्येक युवा आज राहुल गांधी के साथ कंधों से कंधा कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने का काम करेगा प्रत्येक युवा आज राहुल जी के साथ खड़ा है जहाँ भी लड़ाई होगी राहुल जी देश के मुद्दों को उठाते अरे महंगाई पे क्यों नहीं बात करते ये बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते आज हमारे हरियाणा के रोहतक के अंदर कल एक युवा ने बेरोजगारी के ऊपर फांसी के काफंदे को चूम लिया किस प्रकार से क्यों क्या हो रहा है देश के अंदर जो बातें उन पे क्यों नहीं आते मोदी जी हमेशा ये रंगा बिल्ला की जोड़ी देश को बर्बाद करने के अंदर लगी हुई है कहीं जात पात के नाम पर कहीं धर्म मजहब के नाम पर किस प्रकार से देश चल रहा है क्या करेंगे मोदी जी कहाँ ले करके जाएंगे राहुल गांधी जी भी तो ट्विटर पे ही तो खेलते हैं सामने सामने आकर जो है यहाँ पर अगर इस देश में कोई इस देश के वासियों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है ना तो एक सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम में राहुल गांधी उसके लड़... लड़ रहे दिखते ही नहीं है वो रोडों पर दिखते नहीं है हर वक्त राहुल गांधी सड़कों पे ही दिखते, दिखते हैं पब्लिक के बीच में ही रहते दिक हैं अगर ट्विटर पे बस मैसेज डाल ये ये बात मीडिया के लोग आप लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यहाँ स्थापित किए गए हैं और आपको जो पर्सन भी है वो वहीं से बीजेपी के हेडक्वार्टर से लिख के भेजते हैं वो लोग बोलते हैं राहुल गांधी जब कोविड के टाइम पे जब कोई हमने घरों से निकला, जब फर्स्ट कोविड के बात करो माइग्रेंट वर्कर वाला इशू था इकलौता लीडर अगर हमारे देश में ना वो केजरीवाल था ना वो अमित शाह था ना नरेंद्र मोदी था वो सर राहुल गांधी था जो ओखला आया था और जिन्होंने वहां पे माइग्रेंट वर्कर को आए मिले और उन सबकी व्यवस्था कराई आम आदमी ही दिख रहा था उनको राशन बांटते हुए सामान जो जितनी भी उपयोगी तो चीजें तो कह रहा हूँ देखिये मेरी बात समझी मैंने आपने कहा वो कोई आया नहीं रोड पे मैंने कहा वो ओखला पहुंचे वो पहुंच के उन्होंने वहां पे माइग्रेंट वर्कर को वापस हमने घर पहुँचवाया ये पावर राहुल गांधी की है अभी जो जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है ये सब चल रहा है बुलडोजर चल रहा है मुस्लिमों के जो है दमन हो रहा है मुस्लिमों को लगातार टारगेट किया जा रहा है लेकिन संघर्ष करो हमारे हम साथ इस देश में राहुल गांधी ही एक ऐसा नेता सवाल का जवाब नहीं दिया आप तुम्हारे सवाल का जवाब तो दे दीजिए संघर्ष करो तुम्हारे जवाब नहीं दे पा रहे कुछ बोलेंगे मोदी जी को दो हजार चौबीस में राहुल जी प्रधानमंत्री बनने लाइन को अलाटमन कर मुस्लिमों को लगातार टारगेट किया जा रहा है अवैध निर्माण बनाकर चला जा रहा है उसके लिए आप लोग रोडो पे नहीं आए मगर कांग्रेस जो पार्टी है और राहुल जी के लिए आप रोडो पे आ गए मैंने आपको बताया ना सारे सोनिया जी ने सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ दिखा दिया है अभी अलाटमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री बन बनकर दो हजार चौबीस में ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे इतने ज्वलंत मुद्दे जनता बनाएगी जनता बनाया बनाएगी।, 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 हाँ, बनाएगी पब्लिक मगर तो आम लोगों के लिए तो रोडो पे आप लोग दिखते नहीं है क्यूँकी अभी कांग्रेस पार्टी के लिए आप लोग रोडो पे दिख रहे हैं क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए हम तो अभी जिस जिस तरीके से अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चल रहा है टारगेटिंग सिस्टम चल रहा है पूरा टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को लगातार उनके लिए तो कोई सामने ही नहीं आया आपकी पार्टी सामने तो आते हैं लेकिन आप लोग ही नहीं दिखाते क्योंकि तो अब आप हम लोग आप तो यहाँ पहुँचे तो, हुए तो हम तो 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 मोदी के अंडर में काम कर रहे हैं अच्छा हम मोदी की मीडिया है। मोदी की मीडिया, गो, याली, गोदी मीडिया, है। गोदी मीडिया है तो फिर वो नेशनल नेशनल पे बैठे हैं हाँ। कौन? कौन कौन सी मीडिया नेशनल पे बैठे हम तो नेशनल से नहीं 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 इसमें नेशनल की बात क्या हो गई हम तो आपकी बात कर रहे हैं तो गोदी की बात कर रहे हैं आपकी बात कर रहे हैं हमसे अभी आपने देखा हमने इन लोगों से जानने की कोशिश की लगातार जो है सवालों से बच रहे हैं लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर ईडी की जांच है निष्पक्ष जांच होने देनी चाहिए लेकिन जो भी सवाल मैंने किए तो गोदी मीडिया जो है बता दिया गया आप कुछ कहना चाहते हैं सर देखिए लगातार चार दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नेता राहुल जी के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है आज आपने देखा कल हमारे मुख्य कार्यालय चौबीस अकबर रोड पर पुलिस ने जिस प्रकार से बर्बरता दिखाई हमारे नेताओं को हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर से खींच खींच कर लाकर उनको मारा गया बंद किया गया गिरफ्तारियाँ की गई तो उसका हम विरोध करने के लिए आज यहाँ राजनिवास पर शांति के साथ अपनी बात रखने के लिए आए आने आपकी पार्टी पे आई तो आप रोडो पे आ गए लेकिन जो अभी लगातार टारगेटिंग सिस्टम चल रहा है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है अवैध निर्माण बताकर जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा है नुपुर था था शर्मा था। जो है ऐसे अपोजिट बयान देती है इस तरीके से मोहम्मद पैगम्बर पर बोलती है उस पर आपकी जो कार्य कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो कुछ नहीं बोलते है सामने आकर नहीं बोलते हैं ये सब क्या गलत को तो गलत कहा जाएगा ना जो उन्होंने बात की कहा जाएगा रोडो पे तो आप दिखते ही है रोडो पे दिख रहे हैं हम लगातार हम पाँच छह दिन से आप देखिए किस प्रकार से राहुल जी के नेतृत्व राहुल जी के लिए समर्थन में आए हाँ, तो वो प... देखिए एक्चुअली क्या है कांग्रेस वक्त-वक्त पे अपनी आवाज उठाती रही है लेकिन इसमें कुछ कमी आप बुरा ना माने मीडिया की भी है जो पूरे मुद्दे नहीं दिखाती कांग्रेस ने हर वो मुद्दा उठाया है सन 1947 से लेकर आज तक मीडिया जो है मीडिया कौन सी मीडिया की आप बात करें। जो आ, बड़े ईमानदार चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, नहीं किसी ने बताया आपका चैनल है कुछ चैनल ऐसे जो आज भी ईमानदारी से दिखा रहे जैसे कुछ उसमें काफी हद तक भागीदारी है कांग्रेस ने उन्नीस से लेकर आज तक के सारे मुद्दे उठाए हैं चाहे वो किसी भी समुदाय के हो किसी कि आ, किसी भी विशेष वर्ग के हों या देश हित में जितने मुद्दे हैं कांग्रेस ने वो ईमानदारी से उठाए लेकिन जो हम यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है राहुल गांधी को ये बार बार बुला रहे हैं सच को साँच को कोई आँच नहीं होती आप इन्वेस्टिगेशन करनी है करिए लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ इसलिए सत्य के लिए कि जब कभी आने वाले टाइम में हमारी देश की नस्ल हमसे पूछेंगी कि तुमने देश के लिए जिस टाइम देश में अराजकता फैली थी और ई और सीबीआई का डर लोगों को दिखाया जा रहा था उस वक्त आपने क्या किया तो हमारे पास देने के लिए जवाब होगा कि हम सावरकर की तरह मोदी सरकार के आगे झुके नहीं थे लेकिन विपक्ष नहीं नहीं भी नहीं तो पर... जो है दिख नहीं रहा है ना विपक्ष भी तो देखिए विपक्ष दिखेगा कैसे अब विपक्ष दिखेगा कैसे न्यूज चैनल के थ्रू न्यूज़ चैनल वाले अगर गोदी मीडिया बन जाए उनतीस चैनल अडानी और अंबानी के हैं अगर वो उनके दोस्त हैं तो वो कैसे दिखाएंगे सड़कों पे तो आप जैसे जो ईमानदार चैनल है दो चार वही दिखा रहा है, तो दिखा रहा है हकीकत नहीं तो कौन दिखा रहा है बताइए चैनलों ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है मीडिया खबरों को तोड़ मरोड़ के दो तरह की मीडिया चल रही है इस टाइम आप सोशल नेटवर्किंग पर देखिए तो ऐसा लगता है कि देश के अंदर इतना बुरा हाल है कि हमारा हमारा देश जो आने वाले टाइम में श्रीलंका तो जैसा बनने वाला है। मीडिया पे भी जो है प्रहार कर दिया गया है अभी द लाइव टीवी जो है माइनोरिटी वर्क का जो है सच्चाई दिखाती थी उसको बंद कर दिया गया यही तो डर ये, तो डर ये, है। ये, ये डर है जब और क्या है ये डर, ये डर है, ये डर है। डर है ना लेकिन हम हम सत्य में जैते बोलते रहे हैं और राहुल जी के साथ है राहुल जी हमेशा गरीब आदमी की जो गरीब कुचला हुआ इंसान है मदद करते हैं हमेशा उनकी आवाज़ को उठाते हैं आप देखिए लगातार चार दिन से हम लोग कांग्रेस की गिरफ्तारी दे रहे हैं और आज इतनी राज निवास पर हम अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी को चोटें लगी आप देखिए उनको खून निकला उनको उनको डंडे से मारा गया पुलिस इतना बर्बरता के साथ हमारे साथ बर्ताव कर रही है कि जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं हमें ऐसा व्यतीत हो रहा है संविधान ने हमें अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकें हम विपक्ष के अंदर हैं तो विपक्ष की अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा आप बताइए यदि मोदी पुलिस या मोदी जी क्या चाहते हैं कांग्रेसी को अधिकार है हम अपने नेता के साथ खड़े हैं हमेशा खड़े रहेंगे अनिल चौधरी जी राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे सत्य में विजय थे इन सारे धरने प्रदर्शनों का सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एक मकसद है के इतिहास जब हमसे पूछे कि जब ये मोदी सरकार देश में म करी थी देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही थी तो उस वक्त आप कांग्रेसी लोगों ने क्या किया तो हमारे पास देने के लिए जवाब होना चाहिए कि हम सावरकर की तरह माफ़ी मांग कर नहीं आए थे हमने शहीद भगत सिंह की तरह सड़कों पर उतर कर डंडे खाए पानी की बौछारें सही बुज़ुर्गों के चोट आई हमने आवाज़ उठाई हमारी आवाज़ को कुचलने की बहुत कोशिश की जा रही है लेकिन हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक उठाते रहेंगे जब तक कि हम इस देश के हालात नहीं बदल देंगे के मुद्दे को इतना भूना क्यों रहे हैं इतना राजनीतिक क्यों बना रहे हैं जैसे राम मंदिर का मुद्दा इतना राजनीतिक बनाया गया तो वैसा कुछ मोदी ये ये तो जी रहे हैं सारा हाँ। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे तो वंश है नहीं हाँ। और भारत में जो ये कांग्रेस चला रही है वंशवाद चला रही है ये जी वंश ही नहीं होगा तो फिर भारत चलेगा कहाँ से आबादी होगी कहाँ से तो खुद तो निर्वंशी कुदरत ने वंश नहीं दिया वो चाहते कि जब मेरा नहीं है तो दूसरे का ना रहे और ये जो हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कल कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के

हम सिर्फ यहाँ पर उतरे जो ये बीजेपी आउट ऑफ द वे जाकर हमारे लीडरों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है और ये चाहती है कि ये किसी तरह से राहुल गांधी जी को फंसा कर देश के अंदर एक गंदा सा मैसेज पहुँचा दें जिससे इनकी राजनीति और ज़्यादा हो जाए क्योंकि इनके पास दो मुद्दे छवि खराब करने की कोशिश खराब करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी जी की और कुछ नहीं है लेकिन राहुल गांधी जी का परिवार कल भी सच्चा था आज भी सच्चा है कांग्रेस के अंदर उन लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है लेकिन कांग्रेस की छवि तो है लगातार जो है गिरती जा रही है ऐसा दिखाया जा रहा है कि विपक्ष आता नहीं है विपक्ष बोलता नहीं है ट्विटर पे बोल देते हैं सामने आते नहीं है मगर अपने नेता के लिए रोडों पे आ जाते हैं लाठी डंडे खाने लग जाते हैं लेकिन आम जनता के लिए आप लोग मुद्दे जो है इतने हैं ये ट्विटर के ऊपर अडानी अम्बानी का सेंसर बोर्ड नहीं लगा हुआ उस पर तो कोई भी अपने मन की बात लिख सकता है वो हमारे देश मन का मन है बात भी नहीं। तो बहुत चल रही है मन की बात बहुत चल रही है लेकिन तो मन, दे, की दे, मन की बात नहीं बात यदि आज ए, एक मन एक मन की की सदी में आप मन की बात करते रेडियो पे दुबक करके दे, आप टीवी का जमाना है इंटरनेट का जमाना आप सामने आके क्यों नहीं कर रहे हैं बात रेडियो पे चलते थे जब पहले आजादी से पहले जब कोई माध्यम नहीं था क्या जी हम टीवी पे कहीं दिखा सके आज दिखा सकते तो मोदी जी दुबक के क्यों मन की बात करते हैं आप खुल के मन की बात क्यों नहीं करते पब्लिक के दिल की बात क्यों नहीं करते तो आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं आज श्रीलंका में जो इन्होंने कुछ समय पहले महंगाई के उसमें जो भारतीय देश की तरफ से जो उन्हें सहायता दी थी उसकी आड़ में राहुल गांधी जी को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि अपने अडानी को वहां यह ठेका दिलाना चाह रहे हैं कि श्रीलंका में जो भी काम हो अडानी के थ्रू हो तो जितनी हमने सेवा की थी जो यहां से दान दिया था उसका यह भुगतान करवाना चाहते हैं कि अडानी का, का तो भुगतान कर लें इसलिए राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा यह परेशान करवाया जा रहा है तो मोदी जी बहुत तकड़ी चाल चल रहे हैं देश को बिल्कुल नीलाम कर दिया है एक एक संस्था सरकारी बेच दी है हम जो बच्चे पढ़ाते हैं कि सरकारी नौकरी करेंगे जब संस्थान ही नहीं बचेंगे सरकारी तो किस में नौकरी करेंगे तो मोदी जी अपने बचाव के लिए अपने दो तीन आदमियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा चुके हैं तो इसका अब रास्ता क्या निकलेगा ये बताइए इसका।, इसका अब बचने का रास्ता क्या है अगर बर्बाद कर चुके अभी दो में जो जनता करेगी जो जनता के साथ इन्होंने किया है इन्होंने हमने किया महीने आप लोगों को बिठा के खिलाया है तो ये नहीं कह रहे कि हमने आठ महीने तक आप लोगों के काम छुड़वा दे जो एक मेंबर दस पंद्रह बीस हज़ार रुपये कमाते होगा घर में चार मेंबर है तो साठ हज़ार रुपये महीने की हमने इनकम काट दी और एक साल में छः अट्ठे अड़तालीस यानी लगभग अड़तालीस लाख एक परिवार के इन्होंने खा लिए उसका भुगतान क्या नरेंद्र मोदी जी के पिताजी आके करेंगे तो आपने पाँच किलो राशन दे क्या लोगों को खरीद लिया है क्या जो उनकी रोज़ की तनख्वाह थी जो काम करते थे वो क्या इनके पिताजी आके देंगे क्या और ये कहते हैं कि गांधी परिवार जो पिछले इतने आठ दस पीढ़ियों से चला रहा है भैया तुम्हारे पिताजी ने यदि सेवा नहीं की तो इसमें हमारी तो गलती नहीं है हमारे बुजुर्गों ने सेवा की तो उनके नाम चले आ रहे हैं आपके ने नहीं कि चोरी डकैती कर देंगे तो इसमें आपके दादा का भी नाम कोई नहीं लेकर राजी आपके पिता का नाम कोई लेकर राजी नहीं तो सारे कहानी ये जो समाज सेवा करता है कितने चार्ज की पचास पीढ़ी तो उनका नाम होगा जिन्होंने ना की नहीं तो उसके क्या पिताजी का नाम होगा बिल्कुल नहीं होगा ये आप लोगों के सबके सामने है तो दस करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा अभी ऐलान किया आठ बार आठ आठ बार प्रधान डेढ़ साल दस लाख डेढ़ साल में दस लाख बोला है फिर से बोला है। मैम हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी वादा किया था मिल नहीं रही है नहीं मिली किसको मिली बताइए अब अब डेढ़ साल रह गया तो कह रहे दस लाख नौकरी देंगे हम दस लाख दो करोड़ से दस लाख पे आ गए वो आज, भी डेढ़ साल में साथ मैडम साथ ऐसा है, है ऐसा है मैडम ईडी का नजायज इस्तेमाल किया जा रहा है मुझे आप एक बताइए आप पत्रकार है आपने एक भी डिबेट देखी है जो पच्चीस हजार करोड़ की ड्रग्स अडानी के वहाँ से पकड़ी किए किसी पत्रकार ने हिम्मत नहीं करी डिबेट करने की किसी एंकर के हिम्मत नहीं किस पे डिबेट करें जय शाह की कंपनी पचास हजार के घाटे पे चल रही थी दो तीन महीने में नब्बे करोड़ के फायदे में आ गई कैसे आ गई मैडम वहाँ ईडी कब जाएगी का गलत इस्तेमाल अभी आपने बोला की कैसे गलत इस्तेमाल मैडम ये जो केस है पंद्रह में बंद कर दिया गया था नंबर एक ये पहला एक केस है जो बिना एफ के बिना एफ आई के दर्ज किए चलाया जा रहा है आप जानते हैं अगर आप पे केस होगा तो पहले आप पे एफ दर्ज होगी तभी केस चलेगा ना इस पर तो केस ही नहीं है एक बीजेपी का सांसद सुबर्णी स्वामी जाता है एक कंप्लेट दर्ज करता है उस कंप्लेट के अगेंस्ट पे आप ईडी का इस्तेमाल करके राहुल जी को बदनाम करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं आप यहाँ खड़े बात कर रहे हैं मैं यहाँ खड़ा बात कर रहा हूँ मोदी आज इस देश पर राज कर रहा है किसकी वजह से कर रहा है आजाद हुआ देश आजाद कराया किसने आजाद कराया मोदी ने कराया क्या कांग्रेस ने कराया आजाद ये देश कांग्रेस ने आजाद कराया है हमारे पुरखों ने आजाद कराया है आज उनका नाम लेने लगते हैं अभी पिछले आठ सालों में ही जो है देश आजाद हुआ है आप मानते हैं कि नहीं मानते मैडम ये ये अंधभक्त है ना जो ये जो अंधभक्त है इनके लिए देश ना जो दो के बाद आजाद हुआ है खुद दो हजार हाँ, चौदह के बाद ये जो अंधभक्त है ना उनके लिए देश आजाद हुआ है मान लो दो सौ में ही आजाद हुआ था अगर अगर मैं गलती करूंगा अगर मैं कुछ करूंगा मैं कानून के खिलाफ कुछ करूंगा तो सजा मुझे दी जाएगी मेरे माँ बाप को दी जाएगी बताइए आप बताइए तो मुझे दी जाएगी माँ बाप को दी जाएगी ये क्या है का असवैधानिक है ये संवैधानिक नहीं है आपकी मर्जी आएगी आप इनको पकड़ लेंगे कहेंगे कि केस है इनके माँ बाप ने जमीन जायदाद बनाई है इन्हें अपने पैसे पते कैसे जोड़ जोड़ के एक एक पाई जोड़ के मकान बनाया आप उसको तोड़ देंगे ले इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए भी हम प्रोटेस्ट करेंगे क्यों नहीं करेंगे करेंगे अब ये सब उजड़ जाएगा नहीं नहीं कैसे चल रहा है मैडम अभी काम फातिमा का पता है ना आपको आफरीन फातिमा का क्या हुआ मैडम चल रहा है अभी ये काम चल रहा है इस पे ही अब काम चल रहा है अभी हम ये ईडी से जरा फ्री हो जाएं राहुल जी उसके बाद भी इसी पे काम चलेगा चलिए बहुत अच्छी बात है, है। अभी देखिए हमने इन्हीं लोगों से कार्यकर्ताओं से बात की लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सभी लोग जो है रोडों पर उतर आए हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जितने भी आ, आ, उसके नेता हैं वो लोग जो है लगातार इस तरीके से कह रहे हैं कि ईडी जो है अपना प्रभाव बना रही है अपना सत्ता के हिसाब से जो है काम कर रही है लगातार इस तरीके का काम कर रही है कि जिससे राहुल गांधी की छवि खराब हो और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है आ, लगातार जो है उनका समर्थन मिल रहा है कांग्रेस कौ, की पार्टी को और लगातार जो है राहुल जी को समर्थन मिल रहा है ऐसे लोगों का भी लोगों सड़कों पर उतर रहे हैं लाठियां डंडे तक खा रहे हैं यहां पर वाटर कैनन जो छोड़ा गया वो गंदे पानी का जो है वो वो तक झेल रहे हैं सोचिए जो अब लगातार अब जो मुद्दा बना दिया गया है ई को लेकर के जो मुद्दा अब गरमा रहा है जबकि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं लेकिन अब जो है ईडी इतना बड़ा मुद्दा बन गया है क्या इसको राम मंदिर की तरह भुनाया जा रहा है क्या इसको राम मंदिर मुद्दा ला कर के बनाया जा रहा था वैसे ही इसको भी बनाया जा रहा है लगातार इसी तरीके से लोग जो है सड़कों पर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं इसमें सभी इधर उधर से आए हुए लोग भी हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है ये प्रोटेस्ट जो है बढ़ता ही जा रहा है लगातार तीन दिन से ये सब चल रहा है और लगातार बैरीगेटिंग जो है हर जगह से हो रही है चार दिन हो गए हैं इन लोगों को लगातार सड़कों पर लाठी डंडे खाते हुए अब जो है आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स पूरी जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सामने जो है पूरे कार्यकर्ता हैं पुलिस हैं ये सब मौजूद हैं बैरिकेटिंग कर दी गई है सारी जगह जो है बंद कर दी गई है लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन इनका जारी है अब देखते हैं कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा इसी तरीके से देखते रहिए जनित आवाज़ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा दिल्ली